एवरी वन आई होप आप सब अच्छे से होंगे आपने पिछला लेक्चर्स जो है जितने भी लेक्चर्स हैं वो देख लिए होंगे अभी तक और अगर अभी तक आपने मिस किए हैं तो पहले जाके उनको देख लीजिए ओके तो आज हम लोग अपने फिजोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया को आगे कंटिन्यू करेंगे आपका कोई भी डाउट होता है तो आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम आर जी पूनम पर पूछ सकते हैं जाके लेकिन सिर्फ डाउट से रिलेटेड और मुझसे जितना बल पड़ता है मैं रिस्पॉन्स करती हूँ लेकिन मैं खुद अपनी कुछ सबमिशन में बिजी हूँ अपनी आ, एजुकेशनल लाइफ में तो उसकी वजह से थोड़ा सा चीज़ें डिले हो रही हैं आई नो आई आई एम रियली सॉरी फॉर दैट ओके तो कल के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कल के लेक्चर में हमने देखी थी माउंटेन रेंजेस आपने देखा था आपके हिमालय माउंटेन्स और जिनको आप नर्दन माउंटेन्स भी कहते हैं नर्दर्न प्लेन्स देखे थे तो हमने ये चीजें कवर की थी इसी में एक बार देख लेते हैं ये वाला रीजन देखो ये आपने ऊपर देखे थे ट्रांस हिमालय ट्रांस हिमालय के बाद आपने देखे थे ग्रेटर हिमालयाज देन आपने देखे थे शिवालिक रेंजेस ठीक है उसके बाद हमने थोड़े से ईस्टर्न हिमालयाज भी पढ़े थे और उसके बाद हमने देखा था कि किस तरीके से नदन प्लेन्स जो हैं उनकी एक्सटेंशन हुई है तैराई रीजन भांगर रीजन खादर रीजन ये क्या होता है ये सारी मैंने आपको बताई थी हिमालयाज में भी हमने प्लेन्स के बेसिस पर भी इनको डिवाइड किया था पंजाब प्लेन्स ठीक है घुमाऊँ प्लेंस आपके नेपाल प्लेन्स असम प्लेन्स और सिक्किम प्लेन्स ये सारी चीज़ें हमने कल के लेक्चर में हम ऑलरेडी देख चुके हैं तो आज हम थोड़ा सा आगे इसको कंटिन्यू करते हैं कि आज हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं वो देख लेते हैं तो ओके okay. ये हमने कंप्लीट कर दिया है कल का तो चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं पीडीएफ जो है वो ऐप पर अपलोड हो जाएगी तो आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और आगे पैसे में मत बांटेगा जो चीज़ हम आपको फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं अगर मैं मेहनत करके कोई चीज़ बना रही हूँ तो उसको उसका सदुपयोग करें दुरुपयोग मत करें ओके तो चलिए आज हम पढ़ेंगे आपका पेनिनसुलर इंडिया तो देखिए पेनिनसुलर इंडिया अच्छा अब पेनिनसोलर इंडिया में बच्चों को प्रॉब्लम पता है क्या आती है बच्चों को ना ये पता नहीं चलता कि डिवाइड कहाँ से करना है डिखन प्लेट्यू क्या चीज़ है पेनिनसोलर प्लेट्यू क्या चीज़ है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये वाला जो रीजन है ना ये सारा आपका आता है आपका ये रीजन आता है आपका पेनिनसुलर इनसुलर में हमने ऊपर वाला रीजन पढ़ दिया अब हम पढ़ेंगे ये आपका मेन बीच वाला रीजन कि ये क्या है इसमें क्या क्या चीज़ें आती है ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे ठीक है तो पहले देख लेते हैं पेनिनसुलर इनसुलर क्या है एक ट्राइंगल शेप है बहुत सारी हिल्स से ओल्डेस्ट रॉक से अब मैंने आपको बताया था हिमालय जो है वो आपके यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं है, है ना और आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है ये आपकी ओल्डेस्ट रॉक है ठीक है क्योंकि गोंडवाना लैंड से ये बना हुआ है अगर आपको पेंजिया का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत पता होगा ठीक है क्योंकि पेंजिया जो था वो आपका सुपर कॉन्टिनेंट था ठीक है तो उसके सर्दर्न पार्ट का जो हिस्सा निकला क्योंकि ये अलग अलग बेल्ट थी ना थोड़ा सा अगर आपको बिल्कुल बेसिक सा पता होगा तो ठीक है तो किस तरीके से पहले इंडो ऑस्ट्रेलियन बेल्ट जो है वो अलग हुई यूरेशियन प्लेट से फिर दोनों आपस में के फिर से टकरा गई फिर एक बड़ा सा कौन, हमारा कॉन्टिनेंट बना ठीक है तो ये सारी चीजें मैं इतना ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगी बस इतना समझो कि गोंडवाना लैंड के ड्रिफ्टेड पार्ट से जो है ये आपकी ये वाली चीज बनी हुई है क्योंकि आपके साउथ पार्ट को हम क्या कहते हैं गोंडवाना लैंड कहते हैं ना चलिए ब्रॉड और शैलो वैलीज हैं बहुत सारी हिल्स हैं बहुत सारे फीचर्स हैं यहाँ पे प्लेट्यूज हैं बहुत सारे और इसको भी हम मेजरली जो है ना वो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं ठीक है एक आपका आ गया सेंट्रल हाईलैंड और एक आपका आ गया डेक्कन प्लेट्यू तो अब आपको इतना याद रखना है कि आपके पेनन्सुलर प्लेट्यू का पार्ट है डेक्कन प्लेट्यू ठीक है इसी में आपका ये ऊपर जैसे सेंट्रल हाईलैंड्स आ गया अभी मैं बताऊंगी मैप में तो आपका जो डेक्कन प्लेट्यू है दिस इज़ द पार्ट ऑफ योर पेनेंसुलर प्लेट्यू तो पेनेंसुलर प्लेट्यू की डिवीजन जो है वो दो पार्ट्स हुई है सेंट्रल हाईलैंड और डेकिन प्लेट्यू अब सेंट्रल हाईलैंड में ये आपको उसमें मिल जाएगा पीडीएफ में ठीक है इसमें आपको याद यही रखना है ये चीज़ें मेन यही चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से मुझे इंपॉर्टेंट लगती हैं लेकिन आपको पढ़ना सारा सारा पड़ेगा आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ क्या है ठीक है तो मालवा प्लेट्यू बुंदेलखंड बघेलखंड ठीक है दोनों अलग अलग है एक बुंदेलखंड है एक बागेलखंड है और छोटा नाइक नागपुर प्लेट्यू ये आपका आ गया सेंट्रल हाईलैंड वाले रीजन में और डेक्किन प्लेट्यू में क्या आ गया डेक्न ट्रैप वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट्स और नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन जो है इसकी वो मैं आपको भी मैप में दिखाऊँगी चलो तो अगर मैं सेंट्रल हाईलैंड की बात करूँ ठीक है जस्ट प्रॉपर मुझे ना मैप दिख नहीं रहा चलो इसी में देख लेती हैं दिख रहा है आपको ये दिख ही रहा होना चाहिए वैसे एक मिनट येस ओके थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है पीडीएफ में प्रॉपर दिख लेगा तो ये वाला आपका आ गया सेंट्रल हाईलैंड ठीक है क्योंकि ये आपके प्लेन्स थे याद है ना यहाँ से यहाँ तक ये आपके नॉर्दर्न प्लेन्स थे ये आपका पोर्शन आता है सेंट्रल हाईलैंड इसी का थोड़ा पोर्शन में से यहाँ पर भी पड़ता है वो मैं आपको आगे बताती हूँ तो ये आपका आ गया सेंट्रल हाईलैंड ये आपका आ गया डेक्कन प्लेट्यू ये आपके आगे वेस्टर्न घाट ये आपके आगे ईस्टर्न घाट्स और ये आपके आगे कोस्टल प्लेन्स ठीक है तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है तो अगर मैं सेंट्रल हाईलैंड की बात करूँ तो सेंट्रल हाईलैंड जो है ये आपका नर्मदा रिवर का लाइक नर्मदा रिवर जो है ना वो इसका मेजर पोर्शन जो है वो कवर करती है क्यों क्योंकि देखो एक्चुअली uh, यहाँ पे लिखा है कि नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर के बीच में ये लाइक करता है जब आ, अगर आपको पता होगा तो हमने नर्मदा रिवर पढ़ा था कि किस तरीके से पता है ना अमरकन तक प्लेट्यू से नर्मदा रिवर जो है वो मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती हुई आपकी कहाँ जाती थी आपकी अरेबियन सी में जाती थी उसी के नॉर्थ में जो आपका पड़ता है वो है आपका सेंट्रल हाईलैंड और अगर कोई आपसे पूछे कि सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू इन दोनों के बीच में क्या है तो ये है आपकी क्या विद्या रेंज और सतपुरा रेंज ठीक है ये दोनों एक दूसरे को डिवाइड करती हैं विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज इन दोनों के बीच में लाई करती हैं सेंट्रल हाईलैंड के और डेक्कन प्लेट्यू के बीच में ठीक है अब अगर मैं पढ़ूं तो लाइक मेजर पोर्शन ऑफ मालवा प्लेट्यू का कवर होता है और किसके नॉर्थ में पड़ता है नर्मदा रिवर के नॉर्थ में पड़ता है सो so, ये जो है रिवर इन दिस रीजन फ्रॉम द साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट विच इंडिकेट द स्लोप ऑफ दिस रीजन ऑब्वियसली हमने ये पढ़ रखा है वाइडर इन द वेस्ट नैरवर्डर इन द ईस्ट ये तो हर हर चीज़ के साथ हो रहा है ठीक है वेस्ट में वाइडर होते हैं ईस्ट तक पहुँचते पहुँचते पतले हो जाते हैं ठीक है बुंदेलखंड और बागेलखंड ठीक है वो इसकी ईस्ट वर्ड एक्सटेंशन मानी जाती है ठीक है <coughs> जब भी आप लोग पढ़ते हो ना तो अपने पास एक मैप जरूर रखा करो क्योंकि देखो अब मैं तो ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ यहाँ मुझे बार बार जाना पड़ेगा ठीक है तो अब इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी भी नहीं है कि मैं स्क्रीन स्प्लिट करके तो वो दिखेगा नहीं प्रॉपर ओके तो अपने पास एक मैप ज़रूर रखा करो अब आप उसमें देख सकते हो कि किस तरीके से जो इसकी ईस्ट एक्सटेंशन है ईस्ट वर्ड एक्सटेंशन है वो है आपकी बुंदेलखंड और बागेलखंड ठीक है और एक्सवर्ड इनटू छोटा नागपुर प्लेट्यू तक ये देखो ये है ना आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू यहाँ तक ये एक्सटेंड आपका हुआ हुआ है ठीक है तो पूछ सकते हैं आपका बुंदेलखंड और बागेलखंड जो है वो कौन से रीजन में है ये आपको पता होना चाहिए चलो उसके बाद आपका आ गया डेकन प्लेट्यू डेकन प्लेट्यू जो है वो लार्जेस्ट प्लेट्यू है आपके इंडिया का क्योंकि सदन पार्ट जो है वो मोस्टली उसी में पड़ता है जब आप पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करते हो तो मेनली जो बात होती है वो डेकन प्लेट्यू की ही होती है क्योंकि ज़्यादा पोर्शन जो है वो डेकन प्लेट्यू ने ही कवर किया हुआ है ठीक तो है तो लार्जेस्ट प्लेट्यू है क्योंकि सदन पार्ट इसी का है नर्मदा रिवर एंड शेप्ड एज डाउनवर्ड पॉइंटिंग ट्राइंगल ठीक है नर्मदा रिवर के साउथ में नॉर्थ में क्या था सेंट्रल हाइलैंड्स और साउथ में क्या है आपका डेक्कन प्लेट्यू और ट्रायंगल पॉइंटेड शेप तो बनाएगा ही क्योंकि पूरा नीचे वाला रीजन जो है देखो ना या आपका आ गया पेनिनसुलर प्लेट्यू या आपके आगे ऊपर सेंट्रल हाईलैंड थोड़ा सा ब्रेकेज करके यहाँ पे भी फिर आपका छोटा नागपुर तक एक्सटेंड होते हैं तो ये आपका बनाता है पॉइंटेड शेप तो ये आपका किस में आ गया डिकन प्लेट्यू में तो दो माउंटेन रेंजेस इसमें हैं ज़्यादा वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स ठीक है इस तर, मैंने अभी बता दिया वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट प्लेन्स से और घाट से कन्फ्यूज़ मत होना और कोस्टल प्लेन्स के नियर बाई ही इसमें इतना कुछ देखने वाला नहीं है देखो अब इसमें ना वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स का भी थोड़ा बहुत मैंने डाल दिया है क्योंकि मैंने अलग से नहीं डाला तो वेस्टर्न घाट की अगर मैं एवरेज एलिवेशन की बात करूँ तो नाइन हंड्रेड से सिक्सटीन हंड्रेड मीटर तक होते हैं और जो ईस्टर्न घाट हैं वो कम्पेरिटिवली आपके छोटे हैं ठीक है मैं फिर से बता दूं वेस्टर्न गार्ड जो है वो 900 किलोमीटर तक है 900 से 1600 मीटर तक और वेस्टर्न गार्ड के कम्पे सॉरी ईस्टर्न गार्ड के कंपैरिजन में थोड़े से छोटे हैं कभी कभी एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे आपके वेस्टर्न गार्ड और ईस्टर्न गार्ड्स मिलते हैं तो दैट इज़ योर नीलगिरी हिल्स ठीक है यहाँ पर लिखा नहीं है आप लिख लो ठीक है अगर आप लिख रहे हो तो तो नीलगिरी हिल्स में आकर आपके वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट जो हैं वो मिलते हैं कभी कभी सवाल ये भी बन जाता है कि वेस्टर्न घाट्स को और किस नामों से बुलाया जाता है तो वेस्टर्न घाट्स को आपके शयादरी नाम से बुलाया जाता है ठीक है शयादरी नाम से बुलाया जाता है एक बार यह भी देख लीजिएगा कि इसमें हाईएस्ट पीक कौन कौन सी हैं जैसे आपकी अन्नाई मुड़ी है ठीक है अन्नाई मुड़ी है नीलगिरी हिल्स है अन्नामली और कार्डमम है ठीक है तो ये सारी आपकी जो है वेस्टर्न गार्ड्स की हैं मेन जो आपको याद रखना है वेस्टर्न गार्ड्स कोर्ट किस नाम से बुलाया बुलाया जाता है तो शयादरी नाम से बुलाया जाता है और मैं अगर ईस्टर्न गार्ड के हाईएस्ट पीक की बात करूं तो वो कौन सी है आपकी महेंद्रगिरी ठीक है आपको पूछ सकते हैं कि महेंद्रगिरी जो है वो किसकी पीक है तो वो आपकी है ईस्टर्न पार्ट की ठीक है मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ महेंद्रगिरी मैंने कुछ भी यहाँ पे लिखा नहीं है बस आपको आप देख लेना एक बार ठीक है ये मैंने अलग से नहीं डाला मैं एमसीक्यूज में ये चीजें कवर कर दूंगी तो क्या क्या मैंने आपको बताया कि सबसे पहले वेस्टर्न गाट को किन नामों से बुलाया जाता है शयादरी ठीक है अन्ना मलाई जो है ना ये इसकी हाइएस्ट पीक है अन्ना मुड़ी सॉरी मलाई नहीं वो अलग है ठीक है अन्ना मु, अन्ना मुड़ी जो है ये वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है और अगर कोई ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक पूछे तो क्या है महेंद्रगिरी ठीक है महेंद्रगिरी तो ये आपकी ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है अब कभी कभी ना एक सवाल ये भी पूछ जाता है ये मैं माउंटेन्स और पीक्स अलग से, से लेकर आऊँगी उसमें मैं वैसे कवर करा दूंगी एग्जामिनर क्या करता है तीन पीक्स दे देता है और पूछता है इनमें से कौन सी नहीं है ईस्टर्न गार्ड की जैसे आपको सपोज पालकोंडा रेंज दे देगा आपको नालामल्ली हिल्स दे देगा एक आपको ऑप्शन महेंद्रगिरी का दे देगा दे और एक अन्नाई मुड़ी का दे देगा दे तो पूछेगा इनमें से वेस्टर्न गार्ड्स की कौन सी है या इनमें से चूज करो ऑड वन तो आपको पता होना चाहिए ठीक है तो ये मैं आपको वैसे उसमें कवर कर दूंगी आपके ऑप्शन टाइप में एम सी क्यूज में कवर कर दूंगी जो चीज़ें इसमें मैंने नहीं करवाई हैं एक बार इसमें भी देख लो क्योंकि मैंने ईस्टर्न गार्ड्स और वेस्टर्न गार्ड्स अलग से नहीं डाला है ये है ईस्टर्न घाट ये है वेस्टर्न घाट और ये साइड वाला आपका कोस्टल रीजन है ठीक है वेस्टर्न घाट थोड़े से अंदर है कोस्टल प्लेन तो बिल्कुल ही कोस्ट में ही होंगे ना चलो अगर हम इंडियन डेजर्ट की बात करें तो इंडियन डेजर्ट में आ, ओके okay, अगर मैं आपके डेजर्ट्स की बात करूं तो आपका जो अरावली हिल्स वाला रीजन है वो आपका इंडियन डेजर्ट में पड़ता है देखो इंडियन डेजर्ट जो है ना ऐसा माना जाता है कि जो आपका जैसे जो आपका थार डेजर्ट इसमें मेजर आपका पड़ता है ऐसे माना जाता है कि वहाँ पर भी ना पहले एक बहुत बड़ा लाइक समुंदर हुआ करता था बड़े बड़े फॉरेस्ट थे बहुत एक्सटेंशन हुआ करती थी लेकिन वर्क वक्त के साथ साथ जिस तरीके से आपको बताया जाता है एक सेलेस्टियल बॉडी आके टकराई थी उसके बाद जो है यहाँ पर डेजर्ट बन गया वो सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो गई अब आप बोलोगे कि मैम आपको कैसे पता कि यहाँ पे ऐसा कुछ था तो मैं बता दूँ कि ये सारा मैंशनड है रिसर्च बताती हैं क्योंकि आपको पता है ना लोगों का काम क्या होता है जो रिसर्च करने वाले होते हैं ठीक है जियोलॉजिस्ट होते हैं यही चीज़ें तो करते हैं वो तो उनके अकॉर्डिंगली और ऐसे सबूत मिले हुए हैं ऐसे ट्रीज़ मिले हुए हैं बड़े बड़े उनकी शार्क्स मिली हुई हैं जिससे ये पता लगता है कि आपका जो डेजर्ट वाला रीजन है ना वहाँ पर भी पहले बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे फॉरेस्ट हुआ करता था एक एक्सटेंशन हुआ करता था पूरा, -पूरा का पूरा फॉरेस्ट का ठीक है और ऐसा भी माना जा देखो ये आपका आ गया डेजर्ट वाला रीजन और ऐसा भी माना जाता है कि आपके पेनिनसुलर का ही एक्सटेंशन है जो आपका पेनिनसुलर रीजन है उसी का एक्सटेंशन है तो एक बार देख लेते हैं टाइज टूवर्ड द वेस्ट मार्जन ऑफ अरावली हिल्स ठीक है वेस्ट मार्जन में अरावली हिल्स के पाया जाता है और रेनफॉल जो है वन हंड्रेड mm से भी कम होती है बहुत ही पता ही आपको वेजिटेशन बिल्कुल नहीं होगी आपके जितने भी Uh, सकलिन प्लांट्स हैं वो सारे हम यहीं पर माने जाते हैं ठीक है लूनी इज़ द ओनली प्रोमिनेंट रिवर बट ओनली स्ट्रीम अपेयरिंग ड्यूरिंग रेनिंग सीजन जब आपको याद होगा तो हमने आपकी वेस्टर्न uh, साइड्स uh, वाली जितनी भी रिवर पड़ी थी है ना जिसमें आपकी नर्मदा थी आपकी uh, और कौन कौन सी पड़ी थी अगर आपको याद होगा साबरमती पड़ी थी लूनी पड़ी थी तो लूनी एक ऐसी थी जो नीचे तक पहुंच ही नहीं रही थी ऊपर ही विलुप्त हो रही थी ठीक है तो वो आपकी लूनी रिवर ही थी ठीक है चलो ये आपका आ गया इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है डेजर्ट वाले रीजन में बस आपको पता होना चाहिए वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली हिल्स इतना ही है इसमें और कुछ नहीं है चलो कोस्टल प्लेन्स की अगर मैं बात करूं देखो घाट्स और प्लेन्स दो अलग अलग चीजें हैं कंफ्यूज मत होना मैं फिर से बोल रही हूँ ठीक है तो कोस्टल प्लेन जो है वो टू के देखो ये आपके आगे कोस्टल प्लेन वाला रीजन ऊपर कर लूँ थोड़ा सा ठीक है एक प्लेन्स आपके बनेंगे अरेबियन सी के साइड पे एक प्लेन्स आपके बनेंगे बे ऑफ बंगाल के साइड पे तो ये है आपके प्लेन्स वाला रीजन अब प्लेन्स वाले रीजन में क्या-क्या <coughs> चीजें पड़ने वाली हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन <coughs> थिन स्ट्रिप सॉरी थिन स्ट्रिप है 50 किलोमीटर विड्थ है इसकी और ईस्टर्न देखो ईस्टर्न के कंपैरिजन में छोटे हैं ठीक है ईस्टर्न के कंपैरिजन में छोटे हैं ये ठीक है और कहां से स्टार्ट होते हैं साउथ ऑफ तापी रिवर से तो आपको याद होगा कि तापी रिवर भी आपकी सतपुरा रेंज से ही शुरू हो रही थी तो साउथ ऑफ तापी से आपके वेस्टर्न घाट्स जो हैं वो शुरू हो जाते हैं गुजरात से ठीक है गुज आ, मतलब बिगिन होते हैं गुजरात में और एंड कहाँ पे होते हैं केरला में ठीक है स्टेट कौन कौन से इंक्लूडेड हैं इसमें महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक गुजरात और केरला तो होंगी ही गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खम्बाद जो है वो नर्दर्न इसी के नर्दर्न पार्ट में पड़ता है अगर आपको याद होगा तो आपकी नर्मदा और तापी रिवर जो है वो गल्फ ऑफ खम्बाद से ही होते हुए आपकी अरेबियन सी में मिलती थी और गल्फ ऑफ कच्छ में आपकी वो लूनी रिवर वहीं पर जा ख़त्म हो जाती थी खम्बाद तक पहुँचती ही नहीं थी ठीक है अब जो आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ना वो भी बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है मतलब ये आपके अब सवाल जो इसके बन सकते हैं वो यहीं से बन सकते हैं ठीक है कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के ठीक है कौन सा पार्ट किसके अंडर आता है तो आपको ये देख लेना है ये मैं मैप में भी बता देती हूँ ठीक है मैप में भी बता देती हूँ एक बार हम इसको पढ़ भी लेते हैं तो ये वाला आपका आ गया ऊपर वाला रीजन जो है इसको आप कहते हो काठियावाड़ कोस्ट ठीक है इतना सा रीजन जो है ये आपका आ गया कोंकण कोस्ट इसके बाद आपका कन्नड़ कोस्ट और ये आपका आ गया कन्याकुमारी कोस्ट सेम चीज़ आपकी इस साइड से भी डिवाइड होगी इन्होंने क्या किया है इस रीजन को भी चार पार्ट में डिवाइड किया है और इस रीजन को तीन पार्ट में डिवाइड किया है अभी मैं पढ़ूंगी कुछ लोग वो सिरका वाला वाला बोलते हैं वो अलग से है चलो तो काठियावाड़ कोस्ट की अगर मैं बात करूं तो कच्छ टू दमन पूछ सकते हैं काठियावाड़ कोस्ट जो है वो कहाँ से कहाँ तक लाइक करता है तो काठियावाड़ कोस्ट जो है वो आपका कच्छ टू दमन तक जो है वो लाइक करता है रिवर मतलब किस किस रिवर के सेडिमेंट्स यहाँ पर डिपॉजिट हैं तो वो है ताप्ती नर्मदा साबरमती और माही और हमने वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर में यही चार रिवर जो है वो मेन पड़ी थी ठीक है तो किस किस के यहाँ पे सेडिमेंट्स डिपॉजिट हैं ताप्ती नर्मदा साबरमती और माही इन द गल्फ ऑफ कैम्बे वहीं पर ये एस्टरीज बनाती है उसके बाद आपका आ गया पहले ऊपर पड़ा काठियावाड़ कोस्ट फिर आपका आ गया कोंकण कोस्ट कोंकण कहाँ कहाँ आता है दमन और गोवा के बीच में ये सवाल बन चुका है कि दमन और गोवा जो है वो किसके बीच में है या कौन सा कोस्ट उनके किनारे आता है तो दैट इज योर कोंकण कोस्ट ठीक है कन्नाड़ा कोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये गोवा और कैनोर के बीच में आता है डबल एन डबल एन याद नहीं रहने दो नीचे भी डबल एन डबल एन है तो गोवा और कैनोर के बीच में आपका कन्नाडा कोस्ट आता है लास्ट आपका आ गया कन्याकुमारी कोस्ट तो कन्याकुमारी किस किस में आएगा कैनोर और केप कैमरियॉन में ठीक है तो यहाँ पर आपका आ गया कन्याकुमारी कोस्ट पूछ सकते हैं बात रही मालाबार कोस्ट की तो कन्नाड़ा कोस्ट और कन्याकुमारी कोस्ट को मिला ही मालाबार कोस्ट कभी कभी कह दिया जाता है तो ये रहे आपके कोस्ट याद रखना दैट इज़ योर काठियावाड़ कोस्ट उसके बाद कौन कौन कोस्ट ठीक है कन्नड़ा कोस्ट और कन्याकुमारी कोस्ट वेस्टर्न गार्ड्स में यही है पढ़ने वाला अगर कोई सॉरी प्लेन्स में यही है पढ़ने वाला कि कौन सा कोस्ट आ, कैसे डिवाइड हुआ है तो एग्जामिनर कैन आंस की कि आप बता दो कि कौन सा किसके बीच में है कौन से रीजन के बीच में कौन सा पड़ता है तो ये एक बार अच्छे से देख लेना उसके बाद अगर मैं बात करूँ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है ईस्टर्न साइड में ही होगा ठीक है ईस्टर्न घाट के बाद में बे ऑफ बंगाल के साइड साइड में जितनी जो भी चीज़ होगी वो आपकी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के अंडर आ जाएगी तमिलनाडु से वेस्ट बंगाल तक स्ट्रेच है तमिलनाडु से वेस्ट बंगाल तक स्ट्रेच है इसका ठीक है अब इसको भी डिवाइड किया है फर्दर वैसे ही जैसे आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को डिवाइड किया हुआ था अब इसको कैसे कैसे डिवाइड किया है ये आपको देखना है सबसे पहले आपका आता है उत्कल कोस्ट उत्कल कोस्ट जो है ये डेल्टिक प्लेन है किसका गंगा और महानदी डेल्टा का क्योंकि देखो ना गंगा और महन महानदी जो है वो भी अपना सेडिमेंट्स जो है वो बना छोड़ती जाएगी ना तो उत्कल कोस्ट जो है ये उसी की मेहरबानी है और महानदी रिवर भी आपने पढ़ ली थी हाँ ये सवाल बन चुका है कि फेमस चिलिका लेक जो है वो कौन से प्लेन पर लोकेट है ठीक है कौन से कोस्ट में लोकेट है या कौन सी जगह लोकेट है तो पूछ सकते हैं उत्कल कोस्ट में याद रखना इसके बाद आपका आता है आंध्रा कोस्ट में बता देती हूँ मैप में भी बता देती हूँ एक बार देख लो सिर्फ आंध्रा कोस्ट ठीक है उत्कल टू पुलिकत लेक ठीक है डेल्टा किस किस रिवर के डेल्टा है यहाँ पे गोदावरी कृष्णा और कोलेरू लेक ठीक है उसके बाद नर्दन सरकार्स या नर्दन सरकार्स जैसे आप इसको पढ़ना चाहें ये कहाँ कहाँ पड़ता है उत्कल और आंध्रा के बीच में अभी मैप में बताती हूँ मैं ठीक है और महानदी और कृष्णा के बीच में उसके बाद कोरमंडल कोस्ट आ जाता है कृष्णा और कन्याकुमारी वाले रीजन में तो पूछ सकते हैं कौन सा कोस्ट कहाँ पर आता है ये देखो ये एक बार देख लो ये आपका आ गया उत्कल कोस्ट ये आपका आ गया आंध्रा कोस्ट और ये नीचे वाला रीजन आपका आ गया तमिलनाडु कोस्ट और गौरमेंटल कोस्ट ठीक है इसी को कभी कभी नॉर्थ सरकार भी कहा जाता है इन दोनों को मिलाकर तो ये देख लीजिएगा ये आपको वैसे एग्जाम में नहीं पूछेगा उत्कल आंध्रा तमिलनाडु गौरमेंटल इसी से सवाल आते हैं कि कौन सी रिवर के डिपोजिशन से बना हुआ है ठीक है कौन सी रिवर के डेल्टा से बना हुआ है तो ये सारी चीज़ें आपको पूछ सकते हैं एक बार फिर से देख लेते हैं तो पहले हमने देखा उत्कल कोस्ट ठीक है आंध्रा कोस्ट नर्दन सरकार्स और कोरमंडल कोस्ट ठीक है जो उत्कल कोस्ट है गंगा महानदी से उत्कल प्लेन से जिसमें गोदावरी कृष्णा और कोलेरू लेक और इसमें कौन कौन से आके नर्दन सरकार्स में आपके महानदी और कृष्णा और कोरमंडल कोस्ट में आ, कावेरी डेल्टा ठीक है तो ये सारी चीज़ें आपको इनमें यही चीज़ें होती हैं जो आपको पढ़नी होती हैं इस तरीके इस तरफ से आपको कौन कौन से याद रखना है काठियावाड़ कोन कनाडा कहीं कहीं डबल डी ए मिलेगा कहीं कहीं ए आर मिलेगा और मालबार कोस्ट को, 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 कोरमंडल तमिलनाडु कोस्ट आंध्र प्रदेश उत्कल कोस्ट या नॉर्थ सरकार ठीक है चलो तो ये थे आपके वेस्टर्न पेन और ईस्टर्न कोस्टल पेन ठीक है अब हम बात करें अगर आइलैंड्स की तो आइलैंड्स पे जो मेन क्वेश्चन अभी तक बन चुका है वो हमेशा यही बनता है कि कितने डिग्री चैनल डिवाइड करता है और अगर मैं बात करूं सर्दर्न मोस्ट पॉइंट की इंडिया की तो वो कौन सा है आपका इंदिरा पॉइंट जो भी आपका किसमें है अंडमान निकोबार आइलैंड में तो हमारे पास दो आइलैंड है एक तो है आपका लक्षद्वीप आईलैंड ठीक है जो आपका कहाँ है अरेबियन सी में और दूसरा है आपका अंडमान निकोबार आइलैंड जो आपका कहाँ है बे ऑफ बेंगोल में ठीक है अब देखो एक बार मैप से समझ लो फिर उसके बाद पढ़ भी लेते हैं तो इंडिया में बहुत सारे आइलैंड्स हैं ठीक uh, है तो उनमें से कुछ जो है वो आपके अरेबियन सी में पढ़ते हैं कुछ आपके बे ऑफ़ बंगाल में पढ़ते हैं 204 जो हैं वो आपके बे ऑफ़ बंगाल में पढ़ते हैं और 43 जो है वह आपके अरेबियन सी में पढ़ते हैं क्वेश्चन ये आता है कि अंडमान और निकोबार को कौन कितने डिग्री चैनल uh, जो है वो डिवाइड करता है तो कितने डिग्री चैनल करता है टेन डिग्री चैनल जो है वो डिवाइड करता है लास्ट ईयर जो मैंने क्वेश्चन देखा था डंकन पास के ऊपर उन्होंने पूछा था कि डंकन पास जो है वो कौन सी दो जगहों को लाइक किस किस को डिवाइड करता है ठीक है किस-किस के बीच में है नॉर्थ अंडमान मिडल अंडमान के बीच में है साउथ अंडमान या लिटिल अंडमान के बीच में है तो आपको याद रखना है कि जो डंकन पास है ये आपका साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है ठीक है पास पे कभी-कभी सवाल बन जाता है इसलिए बता रही हूँ अब एक पोर्शन जो आपका आता है देखो अब देखते हैं जो मैंने बोला अब स्टार्टिंग से एक बार देख लेते हैं देखो जो आपका ग्रेट अंडेमान है ना इसमें तीन पार्ट आपके आते हैं नॉर्थ अंडेमान मिडल अंडेमान और साउथ अंडेमान इन तीनों को मिलाकर कहा जाता है ग्रेट अंडेमान ठीक है अब इसमें एक तो आपका बैरन आइलैंड है तो अगर आपको पता होगा तो बैरन आइलैंड जो है वो आपका आ, एक्टिव वॉल्केनो uh, है एक आपका ठीक है तो बैरन आइलैंड है उसके बाद बैरन आइलैंड के साथ साथ आपको क्या याद रखना है नारकोंडम नारकोंडम आइलैंड जो है ये भी आपका नॉर्थ अंडमान में भी है और ये एक्सटिंक्ट हो चुका है अभी तक ठीक है तो आपको याद क्या रखना है टेन डिग्री चैनल डंकन पाथ पूछ सकते हैं किस किस के बीच में है आपका साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है वहीं अगर मैं लक्षद्वीप की बात करूं तो इतना तो पता ही आपको कोरल लीप से ये बना हुआ है लक्षद्वीप और मिनी क्वाय को नाइन डिग्री चैनल डिवाइड करता है या नाइन डिग्री चैनल इसके बीच में है और मिनीक्वाय और मालदीव्स के बीच में है एट डिग्री चैनल तो एट डिग्री चैनल और नाइन डिग्री चैनल और यहां पर कौन सा था आपका टेन डिग्री चैनल याद रखना है ठीक है लक्षद्वीप और मिनीक्वाय के बीच में है नाइन डिग्री चैनल और मिनीक्वाय और मालद्वीव के बीच में है एट डिग्री चैनल आपको ये याद रखना है एक बार देख लेते हैं मैंने लिखा क्या है टू फोर्टी सेवन आईलैंड है दो हज़ार चार जो हैं वो आपके बे ऑफ़ बंगाल में है फोर्टी थ्री जो है वो आपके अरेबियन आ, में है ठीक है फ्यू कोरल आइलैंड जो है वो गल्फ ऑफ मन्नार में भी हैं अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है वो आपका बे ऑफ बंगाल में है बहुत सारी वॉल्केनिक रॉक्स हैं इसकी क्योंकि वॉल्के इरप्शन ज्यादा होती है इस तरफ और मिडल अंडमान और निकोबा, निकोबार निकोबार आइलैंड के बीच है ये लार्जेस्ट आइलैंड है इंडिया के ठीक है आई एम रिपीटिंग दिस अगेन मिडल अंडेमान और निकोबार आइलैंड जो है वो लार्जेस्ट आइलैंड है इंडिया के लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो अरेबियन सी में है और कोरल रीप से बना हुआ है ठीक है साउथ मोस्ट पॉइंट जो है या सर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो कहा है हमारा निकोबार आइलैंड में जिसको आप इंदिरा पॉइंट कहते हो ठीक है फॉर्मली इंदिरा पॉइंट जो है उसको पेगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं ठीक है ओके तो और क्या है इसमें इम्पोर्टेंट वैसे इसमें तो इतना ही था तो हमने जो जो चीज़ें पढ़ी एक बार देख लेते हैं हमने uh, आपका क्या पढ़ा हमने आपका प्लेन्स पढ़ा कोस्टल प्लेन्स पढ़ा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन मैंने आपको थोड़ा बहुत वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के बारे में भी बता दिया एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ वेस्टर्न घाट्स के बारे में वेस्टर्न घाट्स की बात हो रही है कि वेस्टर्न घाट्स जो है इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी माना जाता है क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे पास एट हॉटेस्ट स्पॉट हैं जिनमें से एक जो है वो वेस्टर्न घाट को माना जाता है ठीक है तो आप लोगों ने ये देखा किस तरीके से ये फर्दर आगे डिवाइड हुए हैं उत्कल कोस्ट आंध्रा कोस्ट कौनकन कोस्ट ठीक है काठियावाड़ कोस्ट ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देख ली ऊपर आप लोगों ने एक और चीज़ देखी ये कोस्ट वाला याद रखना है आपको मैं आपको इसलिए बार बार कह रही हूँ आप लोगों ने डेजर्ट देखा किस तरीके से लूनी रिवर जो है वो यहाँ पर निकलती है उसके बाद आप लोगों ने कुछ चीज़ें और देखी जैसे कि हमने देखा कि किस तरीके से जो हमारा प्लेट्यू है वो दो पार्ट्स में पेनेंसुलर प्लेट्यू जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है आपका डेक्कन प्लेट्यू और सेंट्रल हाई ठीक है तो ये भी एक बार देख लीजिएगा किसके एक्सटेंशन कहाँ तक है कभी कभी पूछ लेते हैं ये चीजें देख लीजिएगा बुंदेलखंड रीजन कहां पे है बाघिलखंड रीजन कहां पे है छोटा नागपुर रीजन कहां पे है। तो ये सारी चीजें आपको एक बार देख लेनी है ठीक है ऊपर से अगर मैं स्टार्टिंग से अब एक बार इंडिया का मैप निकाल देती हूँ ठीक है तो ओके okay, सो so ये मैंने इंडिया का मैप एक बार निकाल दिया है जो हमने फिजोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया का पढ़ा उसमें एक बार देख लेते हैं तो सबसे पहले हमने पढ़ा था आपके हिमालय माउंटेंस ठीक है हिमालय माउंटेंस आप लोगों ने देखे किस तरीके से इनकी एक्सटेंशन कहाँ तक है उसके बाद हमने देखा नर्दन प्लेन्स पहले हमने ये भी देखा कि हिमालय माउंटेंस फर्दर डिवाइड है ट्रांस हिमालज में ग्रेटर हिमालज में और आपके शिवालिक्स में उसके बाद आपने नर्दन प्लेन्स का देखी इसकी एक्सटेंशन देखी नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स के बारे में हमने थोड़ी बहुत चीज़ें देखी आप लोगों ने इंडियन डेजर्ट पढ़ा किस तरीके से थार डेजर्ट लूनी रिवर ये सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी उसके बाद हमने और एक्सटेंशन देखी पेनिनसुलर प्लेट्यू अब आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू भी दो पार्ट्स में डिवाइड था आपका डेकिन प्लेट्यू में और सेंट्रल हाईलैंड में छोटा नागपुर तक इसकी एक्सटेंशन थी वो आपने देखा उसके बाद मैंने आपको थोड़ी बहुत चीज़ें बताई वेस्टर्न घाट्स की और ईस्टर्न घाट्स की बताया ना कि शयादरी किसको कहते हैं वेस्टर्न घाट्स वाले रीजन को शयादरी कहते हैं हाइएस्ट पीक कौन सी है ये आपकी अन्नाई मुड़ी है ठीक है कोई पूछे ये वैसे मैंने नीचे बता दिया बार बार रिपीट नहीं करूँगी और ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक कौन सी है महेंद्रगिरी ठीक है मैंने लिखा नहीं है मैं ऑब्जेक्टिव्स में लिख लूँगी ये तो ये आप एक बार थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ठीक है और पूछ सकते हैं पालकोंडा रेंज कहाँ पे है मल्ला हिल्स कहाँ पे है ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी बहुत देखनी है आ, लेकिन इसका एक अलग से पूरा टॉपिक बनता है इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेज या हिल्स ऑफ इंडिया तो वह हम तब देख लेंगे उसके तो बाद आपका आ, हमने क्या पढ़ा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ठीक है इसमें भी आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी डिफरेंट डिफरेंट रीजन में जिस तरीके से डिवाइड किया गया है ठीक है तो आ, ये सारी चीज़ें इसमें आ, आपने पढ़ी इसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से हमारे आइलैंड्स के ग्रुप्स हैं कुछ वो डिवाइड हुए हैं और देखो जो आपका अंडमान और निकोबार वाला है ना उसको भी दो लाइक इंपॉर्टेंट ग्रुप्स में आगे डिवाइड किया है जिसको आप रिची आर के पेलागो या लेबरेंथ आइलैंड भी कहते हो ठीक है तो इसके ऊपर वैसे कभी सवाल बना नहीं है लेकिन पता होना चाहिए कि रिची आर के पिलागो या लेबरेंथ आइलैंड भी इसको कहा जाता है और क्या हमने पढ़ा कि वेस्टर्न गार्ड्स जो है उसको क्या क्या, क्या कहा गया है यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया गया है क्योंकि वन ऑफ द लाइक जो हमारे आर्ट हॉटस्पॉट है उनमें से एक जो हॉटेस्ट स्पॉट uh, है वो आपका वेस्टर्न घाट भी है ठीक है तो यही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी पूछ सकते हैं कि वेस्टर्न गार्ड्स और ईस्टर्न गार्ड्स जो हैं वो कहाँ पे आके मिलते हैं तो ये भी आपको पता होना चाहिए नीलगिरी हिल्स में आके मिलते हैं ठीक है तो ये सारी चीज़ें हमने आज के लेक्चर में कवर की अब कल का जो लेक्चर मैं लेकर आऊँगी उसमें आपको आ, क्या हम क्या करेंगे उसमें जितने भी एम सी क्यूज़ हैं जो आपके पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया से बनते हैं ठीक है पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के जितने भी एम सी क्यूज हैं वो आई विल कवर ठीक है जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और मैं कोशिश करूँगी कि फ़िज़िकल वाले भी उसी में कवर कर दूँ तो आपको घबराना नहीं है मैं कवर कर दूँगी कल के पूरे लेक्चर में टॉप हंड्रेड या टॉप फिफ्टी जितना भी मुझसे हो पाएगा मैं उतने लेकर आऊँगी क्योंकि मैं अपना खुद थोड़ा पीएचडी के सबमिशन में इस समय बिजी हुई हूँ तो आई एम सॉरी फॉर दैट फॉर देट डिलेइंग ठीक है तो अगर कोई भी डाउट होगा तो ये मैंने यहाँ पे अपना इंस्टा हैंडल भी डाल दिया है अंडर लगा लीजिएगा आर जे वहाँ पे यू कैन आस्क मी अब मुझे ये मत पूछेगा कि आ, कुछ बच्चों का आ, मैं देखती हूँ डाउट आता है कि मैम ऐप पर अपलोड हो चुका है अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं अपलोड हुआ तो आ, वो आप सुमित सर से पूछ सकते हैं ठीक है क्योंकि कुछ चीज़ें टाइम लेती हैं ठीक है तो अदरवाइज़ uh, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप ऐप पर भी हमारे वहाँ पे पीडीएफ जैसे इंस्टॉल uh, नॉट इंस्टॉल इंस्टॉल कैसे होगी अपडेट हो जाती है वहाँ पर ठीक है अपलोड हो जाती है तो वहाँ पर आपको पी डी एफ्स भी मिल जाएंगी और सिक्सटीन uh, से आपको इंग्लिश के भी लेक्चर मिल जाएंगे जो मैं प्रॉपरली आपका टेंसेज वगैरह और आई गारंटी यू अगर आप लोग एक बार वो चीज़ें पढ़ लेंगे जो मैं उसमें पढ़ उसके बाद आपको किसी भी चीज़ का कोई भी डाउट नहीं रहेगा जिंदगी में इंग्लिश के टेंसेज का एटलीस्ट मतलब कहीं पर भी जाओगे ना आगे बन करके बता दोगे कि कौन सा टेंस है मैं ऐसी छोट ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स लेकर आऊँगी कि आप लोग खुद ही हैरान हो जाओगे कि ये क्या है वो मेरी गारंटी है आपको वो मेरा प्रॉमिस है आपको कि उसके बाद आपको इंग्लिश के लिए कहीं और भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ेगी हर चीज़ डिटेल से कवर होगी सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर अगर फिर भी कोई डाउट होगा सो so अर्जय पूरा मेरा नाम है अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और वन मोर थिंग सॉरी सॉरी फॉर टेकिंग योर टाइम अगर आप लोग अभी तक बने हैं मेरे साथ तो एक बार फिर से सुन लीजिएगा बहुत सारे बच्चे मुझे ये बोलते हैं कि मैम Uh, नहीं हो रहा कैसे होगा आप बताओ प्रिपरेशन नहीं हो रही पेपर्स निकल रहे हैं हमसे हो नहीं पा रहा है तो सबसे पहले ना ये नहीं हो पा रहा है वाला कॉन्सेप्ट निकाल दो नहीं हो पा रहा है क्योंकि आई बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन अलॉट लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन सो वहाँ पर यही सिखाया जाता है कि आप जो चीज़ मांगते हैं आपको वही मिलती है अगर आप बोलोगे नहीं हो पा रहा है तो एनर्जी वैसे ही जाएगी और नहीं ही होगा अगर आप बोलोगे हाँ मैं कर लूँगा या हाँ मैं कर लूँगी तो वो होगा ठीक है तो so, तीन चीज़ें याद रखनी है आस्क बिलीव एंड रिसीव ठीक है अगर आपने बोला है मुझे ये पेपर करना है तो फिर उस पर यकीन भी करो कि मैं कर लूँगा अगर आप ये यकीन करोगे तो आप वही रिसीव करोगे तो आप अगर ऊपर वाले से कभी दुआ करने भी जाते हो तो डाउटफुल दुआ मत किया करो पता है कि वो चीज़ मिलेगी तो सीधे जाके उसका थैंक यू किया करो कि थैंक यू मुझे ये चीज़ आपने दे दी ठीक है पॉजिटिव प्रेजेंट टेंस में जब टेंथेस पढ़ेंगे तब आप ये चीज़ सीख लेंगे ओके बाय ऑल द वेरी बेस्ट गाइज गुड लक